फिल्म अभिनेता संजय दत्त से जुड़ी हुई है, जो कि कल यानी कि मंगलवार को पुनर्विचार याचिका डाल सकते हैं, रिव्यू पेटिशन डाल सकते हैं संजय दत्त। खबर है कि कल संजय दत्त सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालेंगे। संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। संजय दत्त को गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में ये सजा सुनाई गई है और अब से लगभग 10 दिन बाद उन्हें सरेंडर करना है। इस बीच संजय दत्त अपना बचा हुआ काम निपटाने में जुटे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, इस रिव्यू पेटिशन के बाद क्या माने, जो सरेंडर करने का वक्त है वो वही रहेगा, या फिर अगर रिव्यू पेटिशन यानी कि पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होती है तो ये समय सीमा बढ़ाई जा सकती है? देखिए, रिव्यू पिटिशन फाइल करने का फैसला तो उन्होंने पहले से ही ले लिया था और माना जो उनके लीगल एडवाइजर्स हैं, वकील हैं, उनका कहना है कि इस हफ्ते में मंगलवार या बुधवार तक ये रिव्यू पिटिशन फाइल की जा सकती है। अगर सारे कागजात या उनकी जो छानबीन है या बाकी चीजें हैं वो सही समय पर होती है तो। अब बात रही उनके सरेंडर की, तो अगर रिव्यू पिटिशन एडमिट होती है और उसके बाद संजय दत्त के वकील कोशिश करेंगे कि बेल के लिए अप्लाई करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनको पहले ही सजा सुना चुका है और उन्हें सरेंडर का वक्त दिया गया है, तो अगर वो उस टाइम पीरियड में जब तक उनको सरेंडर करना है उसके पहले उनका बेल एप्लीकेशन भी आकर वो मंजूर होता है, तब हो सकता है कि उनकी समय सीमा बढ़ सकती है और वो फिलहाल जेल जाने से बच सकते हैं जब तक रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई होकर फैसला ना हो जाए। लेकिन अब ये सारा वक्त का खेल है। अगर अर्जेंसी तो रिव्यू पिटिशन जिस बेंच के सामने आएगा, अगर दिखाता है उसको एडमिट कर लेता है और उसके बाद उनका बेल एप्लीकेशन जमानत याचिका सुनवाई होता है और अगर जमानत देता है तभी ये हो पाएगा, वरना संजय दत्त को जो समय सीमा है उसके मुताबिक जेल जाना होगा और उस बीच अगर सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पिटिशन का जो बेंच है वो अगर उसकी बात सुन के उनको बेल देता है तो वो दोबारा बाहर आ सकते हैं। जी साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।